किसान भाइयों, साल 2024 के मई महीने में नए ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ी है। मई 2023 की घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में सभी ट्रैक्टर कंपनियों ने जहां 82,640 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं मई 2024 की घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में कुल 82,934 ट्रैक्टर बिके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सभी कंपनियों ने कितने कितने ट्रैक्टर बेचे हैं और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस कंपनी ने बेचे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। किसान भाइयों, ट्रैक्टर बेचने के मामले में टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है इंडो फार्म कंपनी। इंडो फार्म कंपनी ने मई 2024 में 372 ट्रैक्टर बेचे हैं। पिछले साल से तुलना की जाए तो इंडो फार्म ने मई 2023 में 582 ट्रैक्टर बेचे थे। इस तरह कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल कम ट्रैक्टर बेचे हैं। 9वें नंबर पर है प्रीत कंपनी, जिसने मई 2023 में कुल 578 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में कुल 391 ट्रैक्टर बेचे हैं। इस तरह प्रीत को भी पिछले साल के मुकाबले अपनी बिक्री में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 8वें नंबर पर आने वाली कैप्टन कंपनी को भी अपनी बिक्री में थोड़ा नुकसान हुआ है। कैप्टन ने मई 2023 में बेचे थे 477 ट्रैक्टर और इसकी तुलना में मई 2024 में बेचे हैं 449 ट्रैक्टर, मतलब इस महीने कैप्टन की बिक्री भी कम हुई है। किसान भाइयों, टॉप 10 कंपनियों की इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है कुबोटा कंपनी। कुबोटा ने मई 2023 में कुल 1705 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में कुल 1664 ट्रैक्टर बेचे हैं। इस तरह कुबोटा को भी अपनी ट्रैक्टर बिक्री में मामूली नुकसान उठाना पड़ा है। न्यू होलैंड कंपनी ने इस लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल किया है और आपको बता दें कि न्यू होलैंड कंपनी ने पिछले साल की तुलना में इस साल अपनी ट्रैक्टर बिक्री में बढ़त हासिल की है। मई 2023 में न्यू होलैंड ने 3146 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में 3445 ट्रैक्टर बेचे हैं। अच्छी खासी बढ़त के साथ जॉन डियर ने इस लिस्ट में 5वां स्थान हासिल किया है। जॉन डियर ने मई 2023 में 6591 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में बेचे हैं 7210 ट्रैक्टर। इस तरह जॉन डियर को इस महीने में अपनी ट्रैक्टर बिक्री में अच्छा मुनाफा हुआ है। किसान भाइयों, एस्कॉर्ट्स कंपनी टॉप 10 की इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है, जिसमें फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक और डिजी ट्रैक तीन ब्रांड शामिल हैं। एस्कॉर्ट्स ने मई 2023 में 8704 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में 8232 ट्रैक्टर बेचे हैं। इस तरह एस्कॉर्ट्स को अपनी ट्रैक्टर बिक्री में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। किसान भाइयों, अब बची हैं टॉप 3 कंपनियां। अगर अभी तक आने वाली कंपनियों में आपकी मनपसंद कंपनी आ चुकी है तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं आई है तो वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आपकी पसंदीदा कंपनी शामिल है देश की टॉप 3 कंपनियों में। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर है सोनालिका कंपनी, जो एक्सपोर्ट के मामले में टॉप ट्रैक्टर कंपनी है और घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में भी तीसरे नंबर पर आती है। सोनालिका ने मई 2023 में 10,577 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में कुल 11,131 ट्रैक्टर बेचे हैं। इस तरह सोनालिका ने अपनी ट्रैक्टर बिक्री में बढ़त हासिल की है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर है टेफे ग्रुप, जिसमें मैसी फर्ग्यूसन और आयशर जैसे दो बड़े ब्रांड शामिल हैं। टेफे ग्रुप ने मई 2023 में 16,551 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 में 14,284 ट्रैक्टर बेचे हैं। पिछले साल से तुलना की जाए तो टेफे ग्रुप को अपनी बिक्री में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है पहले नंबर पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मई 2023 में 33,113 ट्रैक्टर बेचे थे और मई 2024 की बात करें तो इस महीने में कंपनी ने 35,237 ट्रैक्टर बेचे हैं। किसान भाइयों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में स्वराज ब्रांड भी शामिल है। तो ये थी मई 2024 की ट्रैक्टर बिक्री की रिपोर्ट। इसमें हमने बात की टॉप 10 कंपनियों की। अगर आपकी मनपसंद कंपनी इनमें शामिल थी तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।